आईकू नियो 8 प्रो जो आज ही लॉन्च हुआ फ्लेक्सी फोन है। फास्ट रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, सुपर इन डिजाइन, फ्लेक्सी प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 866 वी कैमरा सेंसर, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं आईकू नियो 8 प्रो का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो आज ही लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है आईकू नियो 8 प्रो का सिंपल सा बॉक्स। बॉक्स के ऊपर नियो का लोगो और 8 सीरीज मेंशन किया है। बॉक्स के साइड में भी फोन का ब्रांडिंग मिल जाता है। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले फोन देखने को मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट देखे तो 120 वोल्ट का पावर एडाप्टर मिल जाता है जो इस बार साइज में स्मॉल मिलता है, और इस पावर एडाप्टर में टाइप सी आउटपुट मिल जाता है और ये PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यानी इस पावर एडाप्टर से आप सिर्फ फोन ही नहीं टैबलेट और लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी एक्सेसरीज में टाइप C2C केबल मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है। अब बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। फोन यहाँ पे रेड कलर में मिल जाता है जो इस आईकू नियो 8 प्रो सीरीज में मेन कलर है। फोन के बैक में प्लेन लेदर मटेरियल का यूज हुआ है, यानी लीची लेदर का यूज हुआ है। फोन की फील एवरेज मिलती है। लेदर थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता तो बेटर होता। कंपेयर टू प्रीवियस 2 जनरेशन इस बार कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन भी डिफरेंट मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल कार्बन फाइबर पैटर्न में मिल जाता है लेकिन ये मेटल का मिलता है। मॉड्यूल के नीचे नियो का ब्रांडिंग एनग्रेव्ड किया है और साथ में टाइम टू प्ले भी मेंशन किया है। वैसे फर्स्ट लुक काफी अच्छा है और कलर भी आई कैचिंग लगता है, लेकिन ये एक्चुअल रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज देखने को मिलता है। इट लुक्स लाइक अ वाइब्रेंट रेड। आप यहाँ पे वीवो X90 के रेड कलर के साथ कंपेरिजन भी देख सकते हैं जो चाइनीज रेड कलर है। फोन में मिडल फ्रेम इस बार भी प्लास्टिक की मिलेगी, लेकिन इस बार थोड़ी पतली दी गई है। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन और फ्रेम के मिडल में प्लास्टिक ब्रैकेट मिल जाता है जो थोड़ा ओड लगता है। आईकू नियो 8 प्रो में डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। रिजोल्यूशन 1.5K का मिलता है और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ की मिलती है, और 1.5K का रिजोल्यूशन बहुत ही कम फोन में आजकल मिलता है। साथ में 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग फीचर भी मिल जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। और डिफरेंट एंगल में भी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी डासू मिलेगा। ऑल ओवर फोन में डिस्प्ले तो फ्लेक्सिबल लेवल की मिल जाती है। आईकू नियो 8 प्रो में परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में डायमेंसिटी 9200 प्लस ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है, जहां पे सेकंड जनरेशन TSMC के 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस का यूज हुआ है, जहां पे मैक्स क्लॉक स्पीड 3.35 GHz की मिल जाती है। कंपेयर टू डायमेंसिटी 9200 यहां पे पावर कंजम्पशन तो सेम ही मिलता है, लेकिन CPU और GPU स्पीड में 10% इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। Antutu स्कोर देखे तो यहाँ पे 1.35 मिलियन तक मिल जाता है। साथ में 20 मिनट्स 3D मार्क स्ट्रेस टेस्ट देखे तो 91% स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। Geekbench स्कोर देखे तो सिंगल कोर का 2,093 पॉइंट्स तक मिल जाता है और मल्टी कोर का 5,566 पॉइंट्स मिल जाता है। फोन में गेमिंग की बात करें तो Genshin Impact जो हाईएस्ट ग्राफिक वाली गेम है और हाई एंड गेम है, 30 मिनट्स हाईएस्ट सेटिंग पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 59.8 FPS तक मिल जाती है और गेम में स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ में फ़ोन में लार्ज एरिया कूलिंग सिस्टम भी मिल जाती है तो टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। साथ में फोन में वीवो V1 डिस्प्ले चिप भी मिल जाती है जो फ्रेम इंसर्टेशन का काम करेगी तो और भी स्टेबिलिटी बेटर मिलेगी। आईकू नियो 8 प्रो में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 120 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो बैटरी को 27 मिनट्स में ही 0 to 100% चार्ज कर देता है। 2 आवर्स बैटरी लाइफ टेस्ट देखे तो मैक्स यूज के बाद 84% बैटरी रिमेनिंग रहती है, जो अच्छी बात है। अब बात करते हैं आईकू नियो 8 प्रो के कैमरे की। फोन में रियर फेसिंग ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 866 वी सेंसर मिलता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। तो यहां पे माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर को हटा दिया है। आप यहां पे सैंपल फोटोज भी देख सकते हैं, फोटोज काफी अच्छे मिलते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let
Ryko Neo 8 Pro की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 3,299 चीनी युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो रफली 38,700 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले सुपर मिलेगी, परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग मिल जाता है, कैमरा एवरेज है, बैटरी भी अच्छी मिलेगी और चार्जिंग भी फास्ट मिलता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Ryko Neo 8 Pro के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट और टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy, I can leave.